आज शनिवार है, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने का दिन। जी हां, रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव फिलहाल भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान शनिवार को लालू प्रसाद से मिलने आज उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पहुंची। रोहिणी आचार्य पापा से मुलाकात के दौरान भावुक हो गई। उन्होंने पापा से उनका हालचाल पूछा। रोहिणी ने लालू यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। रोहिणी के बाद राजद के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की। तीसरे मुलाकात के तौर पर राजद के शिवहर लोकसभा प्रत्याशी रहे सैयद फैसल अली ने मुलाकात की। लालू यादव से मुलाकात कर निकले बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की सूचना पाकर लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर से मुलाकात करने आई हुई है। विधायक ने कहा कि हम लोग न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि लालू यादव की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन पर रियायत बरते। लालू यादव से हमारी राजनीति पर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं कई हफ्तों से मेडिकल बुलेटिन जारी होने पर उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत अभी भी खराब है और मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी हो रहा है, इसका जवाब रिम्स प्रबंधन दे सकता है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी अस्वस्थता के कारण सामान्य दिनों के मुकाबले धीरे धीरे बात कर रहे हैं। लालू यादव को इस स्थिति में बात करते हुए हमने कभी नहीं देखा था।